हेलो नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सकुशल होंगे। मेरा नाम है विनय और आज डेट है 29 जुलाई 2021। साथियों आज जैसा कि आपको दिख रहा है, आज हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेलोशिप 2021। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इस वीडियो में समझेंगे क्या। तो वी विल अंडरस्टैंड द फेलोशिप, पूरी फेलोशिप क्या है, पर्पज क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, हाउ यू कैन फिल द एप्लीकेशन, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, वट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्या है, कितने फेलो चाहिए, एंड फाइनली वॉट विल अ फेलो डू इन दिस फेलोशिप। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टिंग। एंड इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज है तारीख 29 जुलाई और इसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई। यदि 31 जुलाई से डेट आगे नहीं बढ़ती है तो फाइनल डेट 31 जुलाई यानी आपको आज, कल और परसों में ये फॉर्म सबमिट कर देना है। अगर आप 31 जुलाई के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार इसकी वेबसाइट आप चेक कर लीजिए, iitjammu.ac.in/lgfellowship, और आप अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर फेलोशिप डालेंगे गूगल पर तो आ जाएगी। अगर इनकेस डेट बढ़ती है तो आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, बट अभी के लिए है 31 जुलाई। सो जैसा कि आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर अभी जो है वो है यूटी, यूनियन टेरिटरीज, और यूनियन टेरिटरीज में होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का डेवलपमेंट पॉलिसीज और डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनके बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्हें मोटिवेटेड यंग प्रोफेशनल्स चाहिए जो कि कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव इन द यूनियन टेरिटरीज, और इसी के लिए ये पूरी की पूरी फेलोशिप डिजाइन की गई है। ठीक है, इस फेलोशिप में आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ये बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप डायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर काम करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के सुपरविजन में काम करेंगे। एंड दिस फेलोशिप इज लाइक हाईली अट्रैक्टिव एंड फ्लेक्सिबल। द फर्स्ट बैच जो इनका स्टार्ट होगा वो 28 सितंबर यानी नेक्स्ट अगस्त से, अगस्त के नेक्स्ट सितंबर में ये कंप्लीट होगा। तो ये प्रोसेस भी अच्छे से पूरा का पूरा फाइनल कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। सो हु इज दैन आइडियल LGSDF फेलो, इनके लिए कौन एक आइडियल LGSDF फेलो है? तो इज अ एक ऐसा फेलो हु इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फॉर आउटस्टैंडिंग यंग मैन एंड वुमेन with significant accomplishment to contribute towards citizen-centric and holistic development of the Union Territories. जो उनके जो citizen-centric है, नागरिकों को जो केंद्र में रखकर development है उस पर काम कर पाए, ये जो program है वो बहुत deep understanding provide करेगा जो structure है, जो functioning है अलग अलग institutions की उसके, और ये बहुत unique opportunity है fellows के लिए जो कि सोशल वेलफेयर के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज और स्कीम्स पर भी काम कर पाए। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपको आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, और इसको बहुत बेहतर तरीके से समझना है। ग्रेजुएट्स फ्रॉम NIT, IIT, IIMC, CFTI एंड अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिप्यूटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो ग्रेजुएट्स हैं विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड, इन द फील्ड का मतलब है कि डेवलपमेंटल फील्ड में अगर उनका एक्सपीरियंस है 1 साल का और वो ग्रेजुएट्स हैं रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से, तो वो इस फेलोशिप में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्वालिफिकेशन क्या है, अ मिनिमम ऑफ 60% इन द फाइनल एग्रीगेट, ये डिग्री या डिप्लोमा जो भी किया उन्होंने वो 60% होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर विद रीजनेबल एक्सपोजर टू पॉलिसी डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन। आपने डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम किया, सोशल सेक्टर में काम किया, बट योर वर्क का जो एक्सपोजर है यानी आपने पॉलिसी डिजाइन में काम किया हो, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में काम किया हो, उसको प्रीफरेंस दी जाएगी। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, प्रीफर्ड किया जाएगा। कैंडिडेट पासिंग आउट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ J&K, जम्मू और कश्मीर के किसी भी हायर इंस्टीट्यूट से, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से अगर आप पास आउट हैं आपको प्रीफरेंस मिलेगी। फीमेल कैंडिडेट को भी हाईली एनकरेज किया है कि वो अप्लाई करें तो उनको रिकमेंड किया जाएगा। ठीक है, तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन से इनको समझना बहुत जरूरी है। इट्स अंडरस्टैंड कि कितने इनको फेलो चाहिए, 10 यानी 10 इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेलो चाहिए जो कि हर साल, राइट, विल बी सिलेक्टेड एवरी ईयर। तो अगर आप इस साल नहीं भर पा रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए जरूर इस पर नजर रखिए।
2 साल के लिए ये फेलोशिप है, 2 साल का ड्यूरेशन है, जिसको कि 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इफ द इंडिविजुअल क्वालिफाइज, पीरियोडिक रिव्यूज एंड अ परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर ऑफ द फेलोशिप। सेकेंड ईयर में एक परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, अगर आप बेहतर करते हैं तो आपको अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। प्रोफेशनल बेनिफिट्स आपको क्या है कि आपका एक 10 डेज मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, जिसमें आप नॉलेज, स्किल, कॉम्पिटेंसी को डेवलप करेंगे। एक बहुत चैलेंजिंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम। आप भी समझ सकते हैं कि J&K की जो सिचुएशन है और उसमें डेवलपमेंट पर काम करना अपने आप में एक चैलेंजिंग है, ठीक है, एंड दिस विल बी द रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो आपके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और J&K जो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके कॉन्ट्रीब्यूशन से। फेलोज विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व अक्रॉस द UT, पूरे UT में आप काम करेंगे विद अ स्पेशल फोकस ऑन पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जो कि लोगों को बेनिफिट करे और नेशन बिल्डिंग को प्रमोट करे। 10 दिन का ओरिएंटेशन आपको मिलेगा। तो ओवरऑल 2 साल की जो फेलोशिप है 5 साल तक एक्सटेंडेबल, आपका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है दैट विल बी लर्निंग योर सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन, चैलेंजिंग एंड वेरी अट्रैक्टिव, इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। फाइनेंशियल बेनिफिट क्या होगा, इट इज ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव, एन अमाउंट ऑफ 1 lakh rupees पर मंथ शैल बी पेड एज फेलोशिप अमाउंट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, राइट। और अगर आपका आप आउटस्टैंडिंग और अगर आपके मेरिट में प्रूव कर देते हैं आप कॉम्पिटेंसी और वर्क एक्सपीरियंस के साथ, द फेलोशिप अमाउंट मे बी कैप्ट फ्लेक्सीबल इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द मोस्ट डिजर्विंग। फ्लेक्सीबल का मतलब है कि ऊपर नीचे किया जा सकता है अमाउंट को। द फेलोशिप अमाउंट फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स यानी 2 साल के लिए मे फर्दर वेरी, 2 साल के बाद जो आपका एक्सटेंड होगा ना उसमें अलग हो सकता है अपॉन परफॉर्मेंस अप्रेजल बाय द हाई पावर्ड कमेटी। सपोज दैट कि 2 साल तक आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका अप्रेजल बहुत अच्छा हो गया, तो देर आर हायर चांसेस कि आपका जो सैलरी है वो बढ़ जाएगा। इन एडिशन टू द फेलोशिप एन एनुअल कंटिजेंसी अलाउंस, 1 लाख का एक एनुअल कंटिजेंसी अलाउंस भी आपको दिया जाएगा टू प्रोवाइडेड फॉर कंज्यूमेबल्स एंड अदर सपोर्ट फैसिलिटीज, ट्रेवल, लॉजिंग, बोर्डिंग एंड अदर इंसिडेंशियल एक्सपेंसिस इफ एनी विल बी रीइंबर्स्ड। आपको रहना, खाना, आना जाना सब कुछ अलग से दिया जाएगा, दिस विल बी योर सेविंग्स। तो फाइनेंशियल बेनिफिट के बाद आते हैं कि कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सो एप्लीकेशन है जिसको अभी हम देखेंगे, एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू रिसीव किए जाएंगे। रिसीव्ड एप्लीकेशन को स्क्रीन किया जाएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन के रिक्वायरमेंट के अराउंड और उनके स्टेटमेंट पर्पस के प्रॉमिस के अराउंड कि आपने SOP कैसा लिखा है। शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं स्क्रीनिंग के बाद दे विल बी इनवाइटेड फॉर द इंटरव्यू ऑफ अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है। सो मोर फुलफिलिंग द एजुकेशनल क्राइटेरिया मे नॉट बी इनफ फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर सब्सिक्वेंट इंटरेक्शन, राइट। एजुकेशनली नहीं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका SOP बहुत अच्छा है, क्वेश्चन आंसर आपने बहुत किया बेहतर तरीके से दिया है, तो दैट विल ऑल्सो बी अ criteria. The committee shall be able to adopt if required multiple stages of process of selection from the eligible applicants. तो finally interview होगा, interview के बाद भी अगर committee को लगता है कि आपके साथ और interaction किया जाना चाहिए तो वो आपके साथ करेंगे और उसके बाद 10 fellow select होंगे। So finally let's understand कि इसका जो application है वो दिखता कैसे है और उस application के process को हम करेंगे कैसे। तो ये साथियों इसकी वेबसाइट है, जैसा कि मैं आपको इनिशियली दिखा रहा था, यहाँ पर ये अप्लाई बटन है। अगर इस आप अप्लाई बटन को क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे एक नई विंडो में जहाँ पर आपको अपना ID क्रिएट करना है, राइट। सो जैसे ही अपना ID आप क्रिएट करेंगे, एक और चीज़ है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और IIT जम्मू एंड कश्मीर के कोलैबोरेशन से ये फेलोशिप चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अपनी ID आप क्रिएट करेंगे और ये एक मैं इसका थर्ड पार्ट आपको समझा देता हूँ एप्लीकेशन का। फर्स्ट पार्ट में बायोग्राफिक डिटेल्स आएंगे, नॉट मच, बेसिक्स हैं। सेकंड में क्वालिफिकेशंस आएंगे, आपका एजुकेशन। थर्ड में आपका प्रीवियस वर्क एज वेल एज जो भी आपने किया है। 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू इमेजिन योर एंगेजमेंट इन वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, डू यू हैव एनी प्रोजेक्ट एंड एनी प्रोजेक्ट दैट वुड लाइक टू कॉन्ट्रीब्यूट टू, ठीक है। सो आपको इमेजिन करना है, आप कैसे इमेजिन करते हो कि आपका जो एंगेजमेंट है गवर्नमेंट के साथ वो कैसा रहेगा। मैक्सिमम 2000 वर्ड्स है, उनसे कम में आपको लिखना है। एंड डू यू हैव एनी प्रोजेक्ट दैट वुड लाइक टू
कॉन्ट्रीब्यूट टू, आपको लगता है कि कोई भी प्रोजेक्ट है जो आपका, आप जिसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो? सेकेंड क्वेश्चन है कि वॉट आर योर स्किल सेट्स एंड हाउ दीज स्किल सेट्स आर गोइंग टू हेल्प इन क्रिएटिंग डिफरेंट पॉलिसीज एंड देयर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। तो सपोज दैट कि आई वुड से कि मेरे पास रिसर्च का स्किल है और ये रिसर्च का स्किल किसी भी पॉलिसी के बेसिक फॉर्मेशन में मदद करेगा। आप बता सकते हैं कि मेरे पास रिसर्च का स्किल है और मैंने ये रिसर्च किया हुआ है, दैट विल वैलिडेट द स्किल एंड दिस स्किल विल हेल्प इन दिस पार्ट ऑफ द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, राइट, पॉलिसी डिजाइनिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। एंड फाइनली आपको 5000 वर्ड्स मैक्सिमम, 5000 वर्ड्स से कम में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी आपको SOP लिखना। तो ये तीन चीजें बहुत क्रिटिकल है इस एप्लीकेशन के लिए, ये बहुत अच्छे से रिव्यू किया जाएगा और उसके आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, 10, 12th एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, PG डिप्लोमा, मार्कशीट, ये सारे के सारे आपको अपलोड करना है। और फाइनली इस एप्लीकेशन को आपको एक लास्ट में डिक्लेरेशन है, उस डिक्लेरेशन के बाद आपका ये फाइनल जो एप्लीकेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ये तीन क्वेश्चन आपको समझने हैं कि कितने अच्छे से आप आंसर कर सकते हो और कितना जल्दी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये है साथियों जो फेलोशिप है, जहाँ पर आपको जैसे अगर आपको एंटर करना तो क्रिएट एन अकाउंट फॉर न्यू एप्लीकेंट, यहाँ पर चले जाएंगे आप। ये मेरा बनाया हुआ आईडी है, तो मेरे ईमेल आईडी से पासवर्ड, ईमेल आईडी और पासवर्ड में यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे फेलोशिप, यू कैन जस्ट लॉग इन इट, ठीक है। तो एट लास्ट साथियों, मुझे लगता है कि ये ऐसे लोगों के लिए जो बहुत हाईली मोटिवेटेड है, जिनको लगता है कि चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज में काम करना बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई करिए। कोई फीस नहीं है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, तो आप अच्छे से अप्लाई करिए। बट एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई, और इन केस अगर लास्ट डेट बढ़ती है तो आप इसकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। स्टेप अहेड का जो ये चैनल है, अगर आप सोशल सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, आप सोशल सेक्टर में जाना चाहते हैं, आपको जॉब पाना चाहते हैं, तो इस पर हम सोशल अपॉर्चुनिटीज़, जितने भी फेलोशिप्स हैं उनके बारे में वीडियो डालते हैं, ना सिर्फ वीडियो डालते हैं बल्कि हम उन पर आपको तैयारी में भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो टीम है स्टेप अहेड की वो डिफरेंट डिफरेंट फेलोशिप्स के फेलोज हैं, ठीक है। जैसे कि MGNF के लिए अभी हमारी तैयारी चल रही है, जो नेक्स्ट राउंड है हमारा, जो लैंग्वेज टेस्ट है, केस स्टडी और इंटरव्यू, तो आप इसी डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहाँ पर ज्वाइन करके हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। इट्स अ वॉलंटियरी, हम सब फेलोज हैं, और क्योंकि हमने उन सारे फेलोशिप में बहुत सीखा है, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, सो वी बिलीव कि अगर वो अपॉर्चुनिटी हम किसी को, दूसरे को मिलने में मदद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हेल्प करने में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वी आर वेरी मच हैप्पी। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अलॉट। 31 जुलाई से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर दीजिए, या फिर आप चेक कर लीजिए इसके वेबसाइट पे कि इसकी अगर डेट बढ़ती है तो बहुत बेहतर है, बट 2-3 दिन है, आप बेस्ट तरीका है कि आप उससे पहले तक आप अप्लाई कर दें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, आपके किसी दोस्त के काम आ जाए। एक दूसरे की मदद से अगर हम तरक्की करेंगे, ग्रो करेंगे, तो आई थिंक दैट वुड बी मोर सस्टेनेबल एंड दैट विल ब्रिंग द रियल हैप्पीनेस। Thank you so much. Stay blessed. Take care.